दीपू भैया चलिए वहां जाकर देवी प्रसाद को ढूंढते हैं। चलो उधर मैरानी अंतिम युद्ध की तैयारियां कर रही है और इधर ये मूर्ख कुत्ते के साथ पकड़ पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। वैसे जब्दाली हम यहाँ करने क्या है? उस अंतिम युद्ध में अपनी हैरानी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। जीत सुनिश्चित? वो कैसे? वैसे ये यंत्र देख रहे हो तो बताओ, इस यंत्र से मैं विवान की शक्तियों को कमजोर कर दूंगा। अब मैं अपनी जादू शक्ति से देवी प्रसाद को ढूंढ सकता हूँ। अरे कहाँ गया वो छोटा बालवीर? मैं तो देवी प्रसाद को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम ना सके ये दोनों चमचे यहाँ किसकी तलाश में आए? अब आएगा विवान इस यंत्र के घेरे में। देवी प्रसाद, और फिर हम मनाएंगे जीत का जश्न। जीत के जश्न से पहले विवान के बड़े भाई का जश्न भी तो देख लो। आखिर कहाँ हो सकता है देवी प्रसाद? देवी प्रसाद तो छोटे साइज का डॉगी है, फिर ये इतनी जोर से कैसे भौंक रहा है? देवू भैया ये क्या हो रहा है? ये दोनों नमूने कुत्ते की आवाज निकालकर हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात असली कुत्ते को पसंद नहीं आई, इसलिए वो तो इनके पीछे पड़ गया। वैसे तुम्हें देवी प्रसाद मिला? नहीं भैया, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा वरना मम्मी हमें ढूंढने निकल जाएंगी। हाँ तुम तो जाओ और माँ को संभालो, मैं अनन्या को कंफ्यूज करने का कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे एक बार फिर अपना संदेश भेजने की कोशिश करनी होगी। लगता है ये सर्वकाल किसी से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मूर्ख शायद जानता नहीं है कि मेरे सदृश कवच को भेद नहीं पाएगा।
इतनी भीषण शक्ति के साथ आखिर किसे संदेश भेज रहा है ये सर्पकाल? और आखिर है क्या ये संदेश? देबू, अरे देबू, और कितना सोगे तुम? एक ही दिन में ब्यूटी नैप लेके मिस इंडिया बनने का प्लान है क्या तुम्हारा? देबू, अरे अनन्या, आओ आओ। हाय आंटी। एक मिनट। अरे रुको रुको। एक मिनट। हाँ, अब बोलो। अरे आंटी, वो मैं देवी प्रसाद को लेने आई थी। ओहो, देवी का प्रसाद तो मेरी किचन में खत्म हो गया है। तुम देवी के मंदिर में जाके ले लो ना, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। अरे नहीं नहीं आंटी, आई मीन एक मिनट, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना कि देवू भैया देवी प्रसाद को लेके वॉक में गए। अरे लेकिन देवी का प्रसाद तो लोगों में बांट देना चाहिए ना, ऐसे कैसे खुद लेकर वो चला गया वॉक पर? मुझे भी नहीं दिया उसने। तुम चुप करो विमान। आंटी एक्चुअली देवी प्रसाद मेरी डॉगी का नाम है। मैंने उसे देवू को दिया था वॉक पे लेके जाने के लिए, लेकिन वो उसके साथ ब्यूटी नाप ले रहा है अभी। तुम्हारा डॉगी मौन व्रत पर है क्या? जो हमारे घर में डॉगी आया और हमें पता ही नहीं। इसका मतलब देवी प्रसाद कभी घर पे था ही नहीं। मेरा मतलब, आई प्रॉमिस दीदी, देवी प्रसाद घर में ही था। अच्छा, कब था? कब? देवी प्रसाद तब था जब आप कपड़े धो रही थी तब। लेकिन कपड़े तो विवान मैं कल ही धो चुकी हूँ। बराबर, मैं भी ना। कहाँ फंस गया मैं देबू भाई और देवी प्रसाद के चक्कर में? हाँ, जब आप टेरेस पे गई थी ना तब। अच्छा, टेरेस पे तो मैं आज गई नहीं बेटा। हाँ, जाना चाहिए था। वो तब आया था जब आप किचन में थे, तभी आया था। और कितना झूठ बोलोगे तुम विवान? सच सच बताओ मुझे, देवी प्रसाद कहाँ है? एक मिनट, तुम्हारे पास कब से आया डॉगी? आंटी वो मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे 2 दिन के लिए उसकी केयर करने के लिए। ऐसा इंटरोगेशन तो किसी क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता होगा जैसे ये दोनों मेरे साथ कर रही हैं। परी हूँ, प्लीज देवू भैया की हेल्प करो। यही एक रास्ता है खुद को अनन्या के गुस्से से बचाने का। देवू भैया, आप ऐसी क्यों चल रहे हो? आपके कमर में मोच आ गई है क्या? नहीं नहीं, कोई मोच नहीं आई। मुझे तो अनन्या को उसका ये डॉगी वापस करना है। तुम्हें पता है अनन्या कहाँ है? देवू भैया, ये डॉगी है टेडी बियर, दिखाई ना देवू भैया। डॉगी है चिंटू। अरे फिर भी दिखाइए तो। अरे पूछ नहीं रहे, देखो आवाज भी निकल रहा है। अरे पर आप ऐसे गोल गोल क्यों घूमे जा रहे हो? क्योंकि देवी के दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। मतलब चिंटू, अगर ऐसे तुम गोल गोल घूमोगे तो मैं चक्कर आ जाएंगे, तुम बेहोश हो जाओगे। बताओ ना अनन्या दीदी कहाँ है, बताओ। हो रही है अनन्या दीदी। इसे कहते हैं शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। अनन्या दीदी, आपका डॉगी देवी प्रसाद। कहाँ है देवी प्रसाद? चिंटू यहीं तो थे देवू भैया, कहाँ गए? 3 घंटे से ये डब्बू मेरे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। आई एम श्योर वो डेफिनेटली कोई सीक्रेट छुपाने की कोशिश कर रहा है। विवान, मस्ती भरी, पता ही क्या हुआ? मुझे वो डॉगी कहीं भी नहीं मिला। क्या? अरे मस्ती भरी, अगर वो डॉगी नहीं मिलेगा तो अनन्या दीदी देवू भैया के फ्री में सर्विसिंग कर देगी। सर्विसिंग? मेरे कहने का मतलब था पिटाई कर देगी। और आज मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक भी जा रहा हूँ, तो मैं तो बिजी रहूंगा। अब देवू भैया को अनन्या दीदी के डांट से कौन बचाएगा? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? एक मिनट।
विवान ये देखो, देबू अनन्या को ये डॉगी दे सकता है। मस्ती बरी, ये डॉगी है ये मच्छर इतना छोटा। एक मिनट, अब विवान। अरे बट मस्ती परी, देवी प्रसाद तो ब्राउन कलर का डॉगी है और ये तो हमारे मोहल्ले का शेरू है, ये कैसे? डॉगी तो डॉगी होता है विवान, रंग में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुझे ये चिंता हो रही है कि इस रॉन्ग कलर के डॉगी के चक्कर में अनन्या दीदी देबू भैया का कलर ही ना उड़ा दे। तो अब आइडिया, अरे वाह विवान, बहुत सही किया तुमने। अब जब असली देवी प्रसाद मिल जाएगा ना, तो हम इन दोनों की अदला बदली कर देंगे। लगता है कोई मुझे संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है। कब तक इस नकली डॉगी के साथ घूमता रहूंगा? ये अरे देव प्रसाद गॉड, देव प्रसाद गॉड तुम ठीक हो? मैं तो बहुत डर गया था, वो अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ता। ये देवी प्रसाद नहीं है, लेकिन जब तक असली डॉगी नहीं मिल जाता तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तो ये देवी प्रसाद का डुप्लीकेट है? अगर तुम इसे डुप्लीकेट समझोगे तो अनन्या इसे ओरिजिनल कैसे समझेगी? हाँ, ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ कि ये डुप्लीकेट है, यही देवी प्रसाद है। थैंक यू मस्ती परी जी। यही असली है, यही ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है। अरे देवी प्रसाद, कहाँ? अरे ये तो है। अरे हाँ, यही तो है ओरिजिनल देवी प्रसाद, डॉगियों का उस्ताद देवी प्रसाद, यही है। लेकिन तुम्हारी राइडर क्यों फड़फड़ा रही है? कहाँ फड़फड़ा रही? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें फड़फड़ा रही है। हाँ, वो खुशी से फड़फड़ा रही है। किस बात की खुशी? तुम्हारे और देवी प्रसाद की मिलन की खुशी। ओके बाय। ओ हेलो, भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया क्या? नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट है फिर खाली फोकट में सर्ज। देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेल डॉग ही था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था। मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। क्यों लॉस देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना? नहीं वो हाँ ओके, मैंने उसे खो दिया लेकिन जानबूझकर नहीं, सॉरी। सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो इतना गुस्सा मत करो, तुमने उसे छोड़ दिया तो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है। क्या हुआ? तुम दोनों मैनहोल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पापी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाज निकाल रहा है। सैड का
ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का नहीं विमान पर। विमान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। विमान ये डॉगी के लिए विमान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विमान 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 आंसर करना प्लीज। अरे ये क्या बात, तुम रो क्यों रही? देखो भैया विमान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विमान? नहीं दे भैया आप जंप मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं विमान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया विमान 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 आजा। देवी प्रसाद विमान तुम ठीक हो ना? हाँ बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से, तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू ठीक कहा ना मैंने? हाँ ऑफ कोर्स मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विवान हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए चल ना। विवान तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर बालवीर जशौरी की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिमनासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी। आपने मुझे बुलाया शौरी? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं एक सुराग है, इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिमनासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया, इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि तिमनासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिमनासा।
कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल, कि तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिमनासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई, तिमनासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगी तिमनासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं, माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ। दादाजी। अरे क्या हुआ देवू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देवू। माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया, अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा जिससे तिमनासा का अंत हो सके। हर बार बेडलक की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? भाई के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे? हाँ तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है, इसकी फीस। What? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट्स पा लेके गई वो उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूढ़ और नकचड़ी नहीं है, है ना देवी प्रसाद? ये तो गुंडी करती है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो सारे पैसे रखो। वैसे तो हर बात पे आर्गुमेंट करता रहता है, अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी।